हाय स्टूडेंट, आई एम सुशांत सर और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों का उत्साह काफी बढ़ता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आपको एक बात और बता दें कि इस चैप्टर का सारा नोट्स आप मेरे दिए हुए लिंक पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। भैया इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे लाइफ को काफी कंफर्टेबल बना दिया। इसका यूज हमारे डे टू डे लाइफ के अलावा पूरे कॉमर्शियल सेक्टर तक में है। आज हम इसके बिना किसी भी चीज की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो यह है इलेक्ट्रिसिटी का एक इंट्रोडक्शन, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो इजीली कंट्रोलेबल है और स्टोरेबल है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे लाइफ को काफी कंफर्टेबल बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज? तो चार्ज विच डू नॉट मूव From one end to another end, एक ऐसा चार्ज जो एक एंड से दूसरे एंड मूव नहीं करता है। यानी आप इसे जिस जगह पर उत्पन्न करेंगे ये उसी जगह पर रहेगा, ये एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं जाएगा। यदि आप यहां पे कपड़ा रगड़ते हैं तो ये यही रहेगा, ये यहां से इस छोर पे नहीं जाएगा। तो इस चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ओके, तो ये होता है कि जब दो सब्सटेंस को हम लोग एक दूसरे के साथ रब करते हैं तब जाकर के ये चार्ज पैदा होता है। तो इन अनदर वे वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सब्सटेंस आर रब्ड विथ ईच अदर। जब दो सब्सटेंस को एक दूसरे से रब करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। फिर है कि क्या कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का, क्यों इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है कोई भी चीज। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब देखिए, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस। तो फॉर एग्जांपल यहां है प्लस 10 और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है वो भी है उतना ही। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स इट न्यूट्रल, जीरो। तो कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और उसे न्यूट्रल कौन बनाता है? तो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या होता है, नंबर होता है, वो इक्वल होता है, लेकिन उस पे चार्ज अलग अलग होते हैं, जिसके कारण एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसके कारण एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को रब करते हैं तो उसमें से चार्ज का ट्रांसफर होता है, किसी एक में से किसी दूसरे पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण वो दूसरा भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है और जिससे चार्ज ट्रांसफर हुआ वो भी इलेक्ट्रिफाई हो जाता है। एक में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और एक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है। तो जिसपे एक्सेस हो गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी भी चीज को एक दूसरे से रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। ओके, समझ गए? चलिए आगे समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का क्या एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे कि एग्जांपल, ये एबोनाइट रॉड है। ये जो एबोनाइट रॉड है, इस रॉड पे यदि हम वूलन क्लॉथ या किसी फर को रब करेंगे, यानी एबोनाइट रॉड पे हम वूलन क्लॉथ या फर को रगड़ेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो वूलन क्लॉथ है उस वूलन क्लॉथ से चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एबोनाइट रॉड के उस पार्ट पे जिस पार्ट को आप रब कर रहे हैं। तो क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाने से ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो एबोनाइट रॉड पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और उलेन क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, तो उलेन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फिगर में। फिर एक ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को जैसे ही हम सिल्क क्लॉथ या फर से रब करेंगे तो होगा क्या कि ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा सिल्क क्लॉथ पे। यहां देखिए सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन। तो सिल्क का क्लॉथ या फर ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड क्योंकि उसमें माइनस बढ़ गया, और ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन चूंकि कम गया तो इलेक्ट्रॉन के कमने से प्रोटॉन ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड और एबोनाइट रॉड हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस दो एग्जांपल के मदद से आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। फिर तो ये देखिए चार्ज क्या है, तो चार्ज है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी भी चीज में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और चार्ज भी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है एक तरह से। तो ये जो है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, चार्ज। तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। तो महान फ्रेंच फिजिस्ट के नाम पर वो जो चार्ल्स डी ऑक्सटिन कूलम्ब साहब, तो ये ऑक्सटिन कूलम्ब साहब जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट, उनके ऑनर में उनके सम्मान में इसका ऐसा यूनिट रखा गया कूलम्ब। तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो फिर हम लोग निकालते हैं कि 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम्ब इक्वल टू जैसे ही यहां पे 1 करेंगे तो ये चला जाएगा इसके नीचे, तो ये पोर्शन चला जाएगा इसके नीचे, तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन कीजिए झटपट सारे बच्चे। तो यदि कैलकुलेशन करेंगे 1.6 से यदि इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 कूलम्ब इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸ नॉट 19, 18, क्योंकि इसका एक जीरो जो है चला जाएगा वो ऊपर, और 1.6 का यदि पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, और एक जीरो इसकी ले लीजिएगा तो हो जाएगा 100। 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या निकला, ये निकला 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज किसी भी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। महान फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मारी एम्पियर के नाम पे उनके ऑनर में उनके सम्मान में इसका ऐसा यूनिट एम्पियर रखा गया। आई बराबर सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का, आई, तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, जैसा कि आप जानते हैं कि क्यू मतलब होता है 1 कूलम्ब यानी 1 C, और टी का मतलब होता है 1 सेकेंड, तो 1 कूलम्ब/1 सेकेंड हो गया। तो बोर्ड में कभी कभी क्या करता है, तो डिफिनेशन पूछा जाता है किसका, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट का। तो ये 1 एम्पियर है, तो व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वायर, जब किसी भी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उसे हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। तो क्या डिफिनेशन बना कि व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट मींस इन 1 सेकेंड, इज कॉल्ड 1 एम्पियर।
अब होता है क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो जिस समय इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी अमूमन उस समय लोगों को मालूम भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसलिए उस समय डायरेक्शन का सही सही कोई पता नहीं था। तो माना गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा यानी उसका जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को माना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, जो कि मैंने फिगर में दिखाया, देख सकते हैं आप फिगर में, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है और इलेक्ट्रिक करंट उधर जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज उधर है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उधर है, करंट का फ्लो उस डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है करंट का डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने लिखा यहां कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और एक बात और बता दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें डायरेक्शन को देख करके कभी ये गलती नहीं पाल लीजिएगा या गलत फहमी नहीं पा लीजिएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सब्सट्रैक्शन और एडिशन सिंपल अर्थमेटिक रूल को फॉलो करता है, जिसके कारण यह एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए स्टूडेंट, लेक्चर वन के एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इफ 480 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोस थ्रू इट इन 2 मिनट्स एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो आपको निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आपके पास 20 सेकेंड का समय है। चलिए हड़ी आप जल्दी कीजिए, बहुत होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, 20 सेकेंड बहुत होता है, मेहनत कीजिए, देखिए कितना आया सबका। चलिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग। आंसर वन, इसमें दिया हुआ है क्यू इक्वल टू 480 कूलम्ब और आपका टाइम दे दिया है 2 मिनट। भाई इलेक्ट्रिक करंट मिनट में नहीं सेकंड के अनुसार चलेगा, इसीलिए जब कभी मिनट में दिया रहे सेकंड में कन्वर्ट कर लें 120 सेकंड। तो आपका I बराबर हो गया Q by T, तो आपका हो गया 480 by 120, ये काटे कितना हुआ 4 एम्पियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट चार्ज फ्लोस थ्रू ए मेटालिक वायर इन 1 आवर व्हेन ए कांस्टेंट करंट ऑफ 0.05 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो इस बार आपको क्या निकालना है, चार्ज। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे चार्ज को, तो आपका दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 × 60 3600 सेकेंड। अब आपका आई दे दिया है कितना 0.05 एम्पियर, तो आपका क्यू बराबर क्या होगा आई टी, तो 0.05 × 3600। तो चलिए इसको उड़ाते हैं हम लोग, ये निकाले, ये 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 कूलम्ब आ गया। तो आप लोग इसी तरह जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2 में। और एक बात आपको फिर बता दें कि मेरे दिए हुए चैनल के नीचे जो लिंक होगा उस पे जाकर के आप PDF नोट कर सकते हैं। और एक बात तो और भी है बच्चों, जरूरत इस बात की है कि यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से उत्साहित होकर के हम लोग और आपको अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। थैंक यू, बाय।